इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव के बारे में। ये क्या है, क्यों दिया गया होता है और इसको हम इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चाहे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये वाला फीचर हमें मिलता कहाँ है और इसको हम कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ये क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मिलता कहाँ पर है हमें ये ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें सेटिंग्स में जाना होगा, तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें नीचे जाना होगा, नीचे यहाँ पर मिलता आपको एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स को खोल लेना है। एडिशनल सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा तभी ये खुलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको खोलना नहीं आता, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आप उनको देखकर खोलना सीख सकते हैं। तो इसको डेवलपर ऑप्शन को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको नीचे जाना होगा और नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी नीचे जब जाएंगे तो मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव। अब जैसे कि आपने मोबाइल डेटा ऑन कर रखा है, एकदम आपने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया, तो आपका जो ये है वो भी एक्टिव रहेगा मोबाइल डेटा। तो अब उसको आप बंद करना चाहते हैं, उस पर ऑटोमेटिकली लगाना चाहते हैं रिस्टिकेट, तो आप यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बंद भी रहने दे सकते हैं। बाकी मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। और जितना भी ये प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 और Note 2 में हुआ है, Note 3 के अंदर भी कर सकते हैं, Note 4 के अंदर और Note 5 Pro के अंदर कर सकते हैं, और Redmi Note 6 Pro के अंदर भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।